ये नोटाबंदी ये डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, ये करेक्शन का मॉडल है। ये करेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं बदलेगा। ये बड़ी गंभीर बीमारी थी। अभी जैसे मनमोहन सिंह जी और ये बड़े अर्थतज्ञ बात कर रहे हैं कि जीडीपी का 2% का लॉस होगा, ये होगा, हम जैसे आम आदमी को समझता ही नहीं है कि भाई ये प्रोग्राम डेवलपमेंट का है ही नहीं, तो आप डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ रहे हैं इसको? ये करेक्शन मॉडल है। एक बड़ा पहलवान अगर बीमार हो जाएगा तो उसको किसी ने बोला, अरे ये 4 दिन कुश्ती नहीं खेलेगा। अरे भाई, ये बीमारी से उठेगा तो और कुश्ती खेलेगा, अभी इसको सोने दे कुछ दिन तक। ये करेक्शन बहुत ड्यू था, बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट ने किसी और तरीके से उसको लिया है, लेकिन हमारे पीछे जो हम वजह बता रहे थे, और वही हो रहा है हमारे देश में। आज पैसे के लिए इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं, हर आदमी पैसे के पीछे इतना भाग रहा है। पैसा मीडियम होता है इसके लिए उसके ऊपर सूद लगाना हराम होता है। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी का सबसे एक आइडियल जो है वो पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए आवश्यकता है कि आप मीडियम पे कभी ब्याज मत लगाइए। ये सबके लिए होता है। हवा पे किसने अगर भाड़ा लगा दिया तो गरीब आदमी मर जाएगा ना। कुरान में, जो पवित्र कुरान में लिखा है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज आइडियल थिंग, और जो सही इस्लाम होते हैं ना, जो फॉलो करते हैं, वो बैंक में नहीं जाते क्योंकि वो हराम होता है। वो क्रिश्चियनिटी में भी वही है। और इतनी बड़ी मात्रा में लोग मेन स्ट्रीम से बाहर रहते हैं कैश बिजनेस पे, फिर वो कैश कहां से आती समझती नहीं, उसके कोई ट्रेल नहीं रहती। हमारे देश के 17 करोड़ हमारे भाई मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते, ये रिसोर्सेस सबके हैं। अगर मैं ये देश में पैदा हुआ हूं 130 करोड़ में, मेरा पूरा हक है ये देश में। बाप का होता है वो हक का होता है, भाई का होता है वो एहसान का होता है। सरकार हमारे देश का मां बाप होती है, हक का होता है। लेकिन ये व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। दुनिया में करेंसी नोट ज्यादा नहीं है, बैंकों में 0% में पैसा आता है सभी, तो बैंक 2% में दे सकती है। बैंक 2% खुद का रख, यहां तो लेने के लिए 8%, 10% 11% से चलता ही नहीं। हमारे बिजनेस, हमारे किसान, आज हम ग्लोबलाइज फील्ड में आ गए हैं। अभी ये वॉर फील्ड है, ये गेम फील्ड नहीं है, वॉर फील्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हम इकोनॉमी की भाषा अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमारी इतनी बड़ी प्रतिभा, हमारे जैसा युवा देश, 29 साल का वयोमान जो है हमारे देश का, हमारी असेट है ये, हमारे युवा। अगर हमारे पॉपुलेशन को हमने ग्राहक नहीं किया तो वो भिखारी बन के लायबिलिटी हो जाएगी हमारे सर पे। ये हमारी पॉपुलेशन हमारी असेट बनेगी जब उनके पास परचेसिंग पावर आएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना हमें क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो सप्लाई चेन से है। भारत कस्टमर कंट्री होगा, कस्टमर इज गॉड नॉट सप्लायर। आज पूरी दुनिया का जो डिमांड है वो अमेरिका उसको कर रही है, 32 करोड़ की अमेरिका, भारत 130 करोड़ का है। अगर ये पूरी फिजिकल वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू पब्लिक डोमेन में जाएगी, लोगों के पास जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी, हम लोग ग्राहक बनेंगे भिखारी की जगह। और यही होगा एक सुदृढ़ भारत का निर्माण। मुझे ये मौका मिला आपके सामने शेयर करने का, नोटाबंदी का एंगल और क्या था, इसने बहुत ज्यादा पहलू है। लेकिन 20-30 मिनट में मैं कितना बोलूं, किसके साथ ये जुड़ा है, क्या क्या बोलूं। हमारे बच्चों का अगर हमारे घर में रखना है, हमारी परिवार व्यवस्था हमारी ताकत है। भारत का सब कुछ छीन गया तो चलेगा, हमारी परिवार व्यवस्था जब तक है अच्छी है, हमें कोई नहीं हरा सकता। जो सरकार से हमारी अपेक्षा नहीं है वो हमारे परिवार से हमारी अपेक्षा होती है। सरकार से हम अपेक्षा करते ही नहीं है, हम चाहते अपने बेटे हमें संभाले। और जब घर घर के बेटे ये हमारे बड़े बड़े शहर छीन के ले रहे गांव से, हमारे बच्चे गांव की तरफ शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? पैसे के सिवा और कोई कारण है क्या? ग्लैमर है उसके साथ, पैसे की यूटिलिटी अलग होती है, ग्लैमर अलग होता है। ये फाइनेंस वालों ने उसको ग्लैमर दे दिया, यूटिलिटी नहीं दे दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब हम करेंगे, कभी और मौका मिलेगा शायद तो मैं फिर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ बुलाया, धन्यवाद।